मक्का मस्जिद का बम धमाका मेरे भाइयों, जब टीआरएस के लीडर आएंगे ना वोट लेने, तो सवाल करो उनसे कि मक्का मस्जिद के बम धमाके में मजलिस के लीडर जब आएंगे तो सवाल करो उनसे कि मक्का मस्जिद के कातिल कैसे बाइज्जत बरी हो गए। अरे ना ये जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता को वो वकील बनाए। मजलिस हमेशा कहते थे, दो बात अक्सर कहते थे, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी कहते थे, क्या कहते थे कि अगर मैं किसी गधे को टिकट दूं तो दक्कन के मुसलमान ओढ़ देना। आज वो सही हो गया, चार मीनार से दे दिए, अब सब ओढ़ देना। और एक बात बोलते थे कि मैं हवाओं में बोझ सुनकर कह सकता हूं कि बारिश होने वाली है, मेरे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। कहां गई वो सलाहियत जब एनआईए वकील को बदल दिए, चार्जशीट को बदल दिए, बाइज्जत बरी हो गए मक्का मस्जिद के कातिल। आखिर बम धमाका फिर करा कौन मेरे भाई, कौन करा बताओ मक्का मस्जिद का बम धमाका। कल अगर आएंगे तुम्हारे दरमियान में टीआरएस वाले आएंगे या मजलिस वाले आएंगे तो उनसे सवाल करो कि मक्का मस्जिद हमारी मुकद्दस मस्जिद, यकीनन बाबरी मस्जिद का गम है लेकिन मक्का मस्जिद के गम को भी ताजा रखो मेरे भाइयों। बाबरी मस्जिद के कातिलों को मत भूलो और बाबरी मस्जिद तुड़ाने में जिसने साथ दिया उसको भी मत भूलो। अब के गर्दन को आदम भाई का शेर याद आ गया, बिचारे गरीब रहमत करे आदम भाई को बार बार याद आते हैं। अब के गर्दन तेरी होगी, अब के खंजर मेरा है, एक दिसंबर तेरा था ये दिसंबर मेरा है, आदम भाई याद आ गए।